दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और उसका एप्लीकेशन नंबर पता कर सकते हो बिना किसी मोबाइल नंबर के, बिना किसी ओटीपी के। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में और गूगल पे जाके आपको सर्च करना है परिवहन सेवा। आप एग्जैक्टली यही सर्च करोगे परिवहन सेवा। आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे parivahan.gov.in। यहाँ आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको अदर सर्विसेज दिखाई देगा। यहाँ से आप ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। मोर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मोर पे क्लिक करते हो आप इस पोर्टल पे आ जाओगे, इस वेबसाइट पे sarathi.parivahan.gov.in। अब यहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है। स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पे अगर इस टाइप का पॉपअप आता है कॉन्टेक्टलेस ड्राइविंग लाइसेंस का, तो इसे आपको क्रॉस करके कट कर देना है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर पता कर सकते हो और एप्लीकेशन नंबर भी पता कर सकते हो, दोनों ही बिना मोबाइल नंबर के, बिना ओटीपी के। तो एप्लीकेशन नंबर पता करने के लिए सबसे पहले आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नंबर होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर इनकेस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी नहीं है, पता नहीं है आपको, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस नंबर को सर्च कर सकते हो। इसके लिए आप यहाँ पे अदर के ऊपर आ जाओगे। यहाँ से आपको डीएल सर्च ये दिखाई देगा, दूसरा ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सर्च करना होगा अपना डिटेल इंटर करके। तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हमें पता नहीं है और इसे इंटर करने की भी जरूरत नहीं है, इसे ही हमें पता करना है। यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है, इसमें आप कुछ भी इंटर नहीं करोगे। आप अपना नाम इंटर कर दोगे यहाँ पे, जिससे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है। इशू डेट याद नहीं होगा तो छोड़ देना है। अब यहाँ पे आप अपना एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ इंटर कर दोगे। अगर आपको वो मोबाइल नंबर याद है जिसे आपने ड्राइविंग लाइसेंस में रजिस्टर करवा रखा है, तो आप इंटर कर सकते हो। अगर ये भी याद नहीं है तो आप इसे भी छोड़ सकते हो। मेनली नेम और डेट ऑफ बर्थ है, दोनों पे स्टार लगा हुआ है, इन दोनों को इंटर करना ही होगा। और ये दोनों तो आपको अपना पता होगा ही। आप यहाँ पे स्टेट भी चूज कर लोगे, इससे और आसानी होगी ड्राइविंग लाइसेंस ढूंढने में। आरटीओ ऑफिस नेम यानी कि अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, शहर का नाम आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सारा डिटेल इंटर कर दिया है। नीचे स्क्रॉल करना है, ये कैप्चा जो यहाँ दिखाई देगा आप इंटर कर दोगे। कैप्चा समझ में नहीं आता है तो आप रिफ्रेश कर सकते हो और सर्च पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों देख सकते हो मेरे नाम और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एक रिकॉर्ड फाउंड हुआ है और ये है मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। यहाँ पे मेरा फादर नेम भी देखने को मिल जाता है, इससे भी मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि ये मेरा ही ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है। इस तरीके से आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर पता चल जाता है, आपको कोई भी ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ी है। यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हो। अब बैक कर लेना है, अगेन नीचे स्क्रॉल करके आपको होम के ऊपर क्लिक करके होम पे आ जाना है, यानी कि इसी पेज पे वापस से आ जाना है। अब बात करते हैं कैसे आपको एप्लीकेशन नंबर पता करना है बिना ओटीपी के, बिना मोबाइल नंबर के। बाकी अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर कैसे आपको चेंज करना है ऑनलाइन ही, इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अब एप्लीकेशन नंबर पता करने के लिए आप फिर से अदर्स के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे सर्च रिलेटेड एप्लीकेशंस, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर पता किया है वो आप इंटर कर सकते हो। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर इंटर कर देना है, अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना है और जो कैप्चा यहाँ दिखाई देता है यहाँ पे टाइप कर देना है और सबमिट कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट करते हो आप देख सकते हो मेरे डिटेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल दिख जाता है और यहाँ पे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस का एप्लीकेशन नंबर है। इसके अलावा लर्निंग लाइसेंस का एप्लीकेशन नंबर भी आपको नीचे दिख जाता है। अगर आप इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहो, ड्राइविंग लाइसेंस का पीडीएफ फाइल, तो यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दिखाई देता है। वैसे मैंने इसको ब्लर कर दिया है प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए। अगर आप इस पे क्लिक करते हो इस नंबर पे, तो यहाँ पे आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस का पीडीएफ मिल जाता है। आप नीचे स्क्रॉल करके यहाँ से इसको प्रिंट भी कर सकते हो।